अब ये जो खली मसूर की दाल है ये कई तरीकों से बनाई जाती है, सबका अपना अपना तरीका अलग होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस दाल को बनाने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे खड़ी मसूर की दाल। हालांकि इसको बनाने का एक और तरीका है जिसके लिए हमें दाल को 4 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है और वो कढ़ाई में बनती है, जिसके बारे में मैं आपसे किसी अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए अब बनाते हैं। तो मसूर की दाल बनाने के लिए हमको चाहिए क्या क्या? सबसे पहले खड़ी मसूर चाहिए, फिर थोड़ी सी उड़द की दाल और आलू। देखिए, उड़द की दाल और आलू है तो ऑप्शनल, लेकिन आप इसका यूज जरूर करिए। इससे दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और फिर मसालों में थोड़ी सी प्याज का पेस्ट, एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी खड़ी लहसुन और मिर्च, ये जीरा और दालचीनी और 10-12 करी पत्ता और घर का बना हुआ गरम मसाला जिसको हमने भिंगो लिया है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको धनिया पाउडर अलग से लेना पड़ेगा। और अगर आप घर भी मसाला बनाना चाहते हैं तो मैंने उस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। तो अब चलिए कुकर में सबसे पहले सरसों का तेल गर्म करिए। और हाँ, कोशिश करिए कि ये रेसिपी आप सरसों के तेल में ही बनाइए। तेल गर्म होने के बाद डालिए आप उसमें जीरा और दालचीनी, फिर लहसुन और मिर्च, थोड़ा सा भून के और डालिए प्याज। प्याज को 80% तक भूनिए और डालिए तेज पत्ता। इन सबको अच्छे से सोटे करिए। अब डालिए इसमें प्याज का पेस्ट और अपने गर्म मसाले का घोल और मसाले को अच्छे से भूनिए। अब लगेगी आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि आपको मसाला तब तक भूनना है जब तक ये तेल न छोड़ने लग जाए। आप मसाले को बीच बीच में ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा देर तक ना ढकिएगा, नहीं तो लग जाएगा। मसाला भुनने के बाद अब आप डाल दीजिए इसमें खड़ी मसूर, उड़द की दाल और आलू। देखिए, जब मसूर की दाल बन जाती है तो दाल और पानी अलग अलग दिखता है, लेकिन अगर आप उड़द की दाल और आलू डाल देते हैं तो दाल का टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है और देखने में भी अच्छी लगती है। अब आप इसमें डाल दीजिए पानी और नमक। अच्छा, पानी कितना? पानी आप नॉर्मल दाल से ज्यादा ही रखिएगा, क्योंकि मसूर की दाल पानी सोखती है। अब कुकर का ढक्कन बंद करिए और 4 सीटी तक पकाइए। लेकिन अगर आपकी मसूर पुरानी है तो आपको 2-3 सीटी एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेगी। अब कुकर का प्रेशर खुद से रिलीज होने के बाद आप देख लीजिए कि दाल अच्छे से पक गई है कि नहीं। मेरी दाल तो पक गई है, लेकिन अगर आपकी दाल नहीं पकी है या फिर उसमें पानी कम लग रहा है तो आप यहाँ पर पानी डालकर 1-2 सीटी और लगवा दीजिए। दाल तो लगभग लगभग बन गई है, लेकिन अगर मैं फ्राई नहीं करूंगी ना तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। जोक सपाट, फ्राई करना तो जरूरी है। तो फ्राई करने के लिए सिंपली आप फ्राई पैन में तेल गर्म करिए, डालिए करी पत्ता, हींग और लाल मिर्च। हींग आप जरूर यूज करिएगा। ये लीजिए, आपकी परफेक्ट खड़ी मसूर की दाल बनके तैयार है। मैं तो प्लेटिंग कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।